इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। रमजान के महीने में सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी खाई जाती है और शाम को सूरज ढलने के बाद इफ्तारी की जाती है। इस बीच किसी भी प्रकार के खाने पीने की सख्त मनाही होती है और इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक के रूप में दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा माना जाता है। मुंबई में रमजान बड़ी शिद्दत और सलीके से मनाया जाता है। ये शहर यहाँ के लोगों की भावना के लिए माना जाता है और इसलिए रमजान बड़े चाव से मनाया जाता है। मीठे में जलेबी, गुलाब जामुन, रबड़ी और तरह तरह की कई लजीज स्वीट्स भी पाई जाती हैं। खास तौर से मोहम्मद अली रोड पर इफ्तारी के दौरान यहाँ का नजारा कमाल होता है। सभी दुकानदार अपना अपना काम छोड़कर इफ्तारी में शामिल हो जाते हैं। जहाँ खीर और खजूर समान रूप से सभी लोगों में बांट दिया जाता है, अचानक से एक बड़ी मुस्कान सड़कों पर फैल जाती है और खाना बांटने का और चाव से खाने का तांता सा लग जाता है। पूरे इलाके को लाइटों से जगमगा दिया जाता है और राहत, खुशी और प्यार का ये नजारा अपने जहन में एक मिठास की तरह घुल जाता है। जगह जगह से अलग अलग धर्म के लोग यहाँ के खाने का लुत्फ उठाने आते हैं और साथ ही साथ शॉपिंग का भी। खाने के शौकीनों के लिए तो ये जगह जन्नत ही है। यहाँ दोनों सड़कों के किनारों पर लाइन से स्टॉल्स लगे होते हैं जो तरह तरह के लजीज पकवानों से भरे होते हैं। चिकन रोल, नली निहारी, दाल खिचड़ा, तरह तरह के पकवान आपको हर दम ललचाते रहते हैं। यहाँ का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है और इसीलिए देश विदेश से लोग रमजान के महीने में यहाँ आते हैं। जितनी पुरानी और कमाल ये जगह है, उतना ही यहाँ का खाना।